नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ मैक्सिको का टाको। मैक्सिको का टाको बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। मैदा 2 कप, सूजी 2 चम्मच, अजवाइन 1/2 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार, तलने व मोयन हेतु तेल आवश्यकता अनुसार। टाको के भड़ावन के लिए हमें सामग्री चाहिए। राजमा 2 कप, पिसा प्याज 1/3 कप, टमाटर प्यूरी 1/2 कप, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच या स्वाद अनुसार, पिसा अदरक व हरी मिर्च 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1/4 चम्मच, भुना जीरा 1/2 चम्मच, जीरा, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी व लौंग 1/2, तड़के हेतु तेल 4-5 चम्मच, पानी 1-2 कप या आवश्यकता अनुसार, कटी हरी मिर्च 2-3 या स्वाद अनुसार, कटी हरी प्याज 3 चम्मच, कटा टमाटर, प्याज व शिमला मिर्च 1/3 कप, हरी चटनी व टमाटर सॉस 1/2 कप। टाको बनाने के लिए सबसे पहले परात में मैदा, सूजी, नमक, अजवाइन हाथ से मसल कर डालेंगे। 6 चम्मच तेल डालकर आटे में मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूथ लेंगे। आटे पर तेल लगाएंगे जिससे कि इस पर पपड़ी ना बने। ढक्कन लगाकर 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। ढक्कन उतारेंगे, आटे को दोबारा से गूथ लेंगे। आटे से लोई को बनाएंगे। हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, यानी कि हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें। चकले बेलन पर तेल लगाएंगे जिससे कि लोई ना चिपके। लोई को बेलन से बेल लेंगे पूरी के जितना। फोक या टूथपिक की मदद से पूरी को गोंद देंगे जिससे कि पूरी ना फूले। गैस जलाएंगे और कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। पूरी को डालेंगे और 2 करछल की मदद से पूरी को आधा फोल्ड कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, और तल लेंगे जब तक एक ओर से पूरी तरह न तल जाए। अब दूसरी ओर पूरी को पलटेंगे और हल्के सुनहरे रंग का होने तक मध्यम आंच पर तल लेंगे। ऐसे ही सभी टाको को बना लेंगे। आप टाको को बनाकर 8-10 दिन के लिए हवा बंद डब्बे में भर कर रख सकते हैं, और जब आपका मन चाहे तब आप इसका भरावन तैयार करके टाको में भरकर परोस सकते हैं। 1 प्लेट में टिश्यू पेपर डालकर टाको को निकाल लेंगे। टाको बनकर तैयार हो चुके हैं। टाको में भरावन के लिए सामग्री को तैयार करेंगे। राजमे को उबालने के लिए सबसे पहले राजमा को साफ करके 2-3 बार पानी से धो लेंगे, और 2 गिलास पानी में राजमा को 7-8 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। 3 कप पानी डालकर 4-5 सीटी लगाकर राजमे को उबाल लें जब तक कि राजमा पूरी तरह गल ना जाए, जो कि हमने पहले से ही उबाल कर रखा हुआ है। दोबारा गैस जलाएंगे और पैन में तेल डालकर गरम करेंगे। हींग, प्याज 1/2 चम्मच, जीरा डालेंगे और कड़छल से चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। स्वाद अनुसार हरी मिर्च व अदरक का पेस्ट डालेंगे और 30 सेकंड तक भून लेंगे। हल्दी, धनिया, स्वाद अनुसार लाल मिर्च डालेंगे, 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। पहले खड़ा मसाला डालना भूल गए थे। 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग डालेंगे। 30 सेकंड तक चलाते हुए भून लेंगे। टमाटर प्यूरी डालेंगे। 1/2 कप पानी डालकर सामग्री को चलाएंगे।
ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक कम आंच पर पकाएंगे। बीच बीच में सामग्री को चलाते रहेंगे, ढक्कन उतारेंगे, सामग्री को चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। उबला हुआ राजमा डालेंगे और चलाते हुए मिलाएंगे। 1 से 1.5 कप पानी डालेंगे, फिर से सामग्री को चलाएंगे। स्वाद अनुसार नमक, भुना जीरा, कसूरी मेथी, गरम मसाला डालेंगे, सामग्री को चलाएंगे। ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए कम आंच पर पकाएंगे। ढक्कन उतारेंगे और सामग्री को कड़छल से मैश करते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि राजमा सख्त बने। राजमा बनकर तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे। राजमा को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक राजमा ठंडा होता है, तब तक टाको में सलाद भरने के लिए तैयार करेंगे। कटोरे में कटा प्याज, टमाटर, स्वाद अनुसार हरी मिर्च, शिमला मिर्च डालेंगे और चलाते हुए मिलाएंगे। आप इसमें 1/2 चम्मच नमक व 1/2 चम्मच नींबू का रस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हरी प्याज डालेंगे और मिलाएंगे। अब राजमा ठंडा हो चुका है, टाको को लेंगे, एक तरफ हरी चटनी, दूसरी ओर टमाटो सॉस लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। राजमा की लेयर लगाएंगे और सलाद की लेयर लगाएंगे। एक बार फिर से राजमा की लेयर को लगाएंगे, हरी चटनी, टमाटो सॉस की लेयर लगाएंगे, सलाद लगाकर प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही सभी टाको को भर लेंगे। तो मैक्सिको टाको बनकर तैयार हो चुके हैं। प्लेट में टाको को रखेंगे और हरे प्याज से सजाकर परोसेंगे। यदि आपको पनीर या चीज़ पसंद है तो आप चीज़ और पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।